देश में आम चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर पुलिस ने कमर कस ली है। मंगलवार को पुलिस ने जनता में विश्वास कायम रखने और अराजक तत्वों को चेतावनी देने के उद्देश्य से एक बार फिर फ्लैग मार्च किया। पुलिस ने चुनावों के मद्देनजर राधा निवास, राजपुर समेत देहातों के कई इलाके में फ्लैग मार्च निकाला। मार्च की अगुवाई करते हुए सीओ सदर रमेश चंद तिवारी ने जनता से निडर होकर मतदान में हिस्सा लेने की अपील की। पुलिस ने वृंदावन कोतवाली से मथुरा दरवाजा चौकी, रमन रेती चौकी क्षेत्र समेत ग्रामीण क्षेत्रों और संवेदनशील इलाकों में पुलिस और रेलवे पुलिस सुरक्षा बल जवानों के साथ फ्लैग मार्च कर हुड़दंगियों को संदेश दिया। पैदल मार्च की अगुवाई करते हुए सीओ सदर रमेश चंद तिवारी सबसे आगे चल रहे थे। इसी बीच सड़कों पर चलते सुरक्षा बलों को देखकर असामाजिक तत्वों में हड़कंप मचा रहा। फ्लैग मार्च में कोतवाली प्रभारी संजीव कुमार दुबे, एसआई राजवीर सिंह यादव और पुलिस बल के साथ रेलवे पुलिस सुरक्षा बल के जवान भी मौजूद रहे।